और ये जो व्रत जो तमाम करते हैं हम लोग, एकादशी तो सोमवार, ये सब क्या करें हम लोग, करें मतलब हम लोगों का? देखिए ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन ये सब साधन है। एक दिन मैंने आपको बताया था, उद्धव यही प्रश्न करता है कि हमारे यहाँ इतने साधन चले हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें से एक उपास भी है, एक तपस्या भी है, एक यज्ञ भी है, लेकिन ये सब साधन हमको स्वर्ग देते हैं। ये उपास से भी आपको स्वर्ग मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप उपास करे ना करे, ये आपके अलग साधन है। हर साधन में रूप ध्यान होना कंपलसरी है। ऐसे तो देखा जाए तो पूजा करना भी एक साधन है, श्याम सुंदर की आप पूजा करें, लेकिन वो भी एक साधन ही है। नौ तरह की भक्ति होती है, उनमें से एक भक्ति है पूजा करना, तो उसमें रूप ध्यान कंपलसरी होना चाहिए। और हम लोग रूप ध्यान नहीं करते, बस आँख खोल के ऐसे घुमा देते हैं जल्दी जल्दी, उसमें मन का अटैचमेंट नहीं हो पाता। तो हमको करना है मन का अटैचमेंट। आप पूजा कीजिए, उपास कीजिए, लेकिन उपास में भी श्याम सुंदर में अटैचमेंट रहे, लेकिन हमारा अटैचमेंट, हमारा ध्यान तो फिर पानी खाने में चला जाता है, आलस में चला जाता है, तमोगुण घुसाता है। रात को पहले अपना सोते थे नॉर्मल टाइम पे, आज सो जाएंगे जल्दी, इतना भूख लग रही है, जल्दी खाना खा ले, पेट भर के खाना खा लेंगे, तमाम गड़बड़ियां हो जाती है उपास करने से। आपकी आदत है, आप करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है आपको करना। ये मेरी राय है, क्योंकि मैंने आज आपको बताया ये वैधी भक्ति में आता है। वैधी भक्ति जिसमें नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, और जो मैं आपको भक्ति बता रहा हूँ वो सबसे सरल है, क्योंकि वो अनुरागा भक्ति है। उसमें कोई आपको नियम नहीं है कि ये करना है कि ये करना है, बस एक ही नियम है, वो मैंने आपको बताया कि श्याम सुंदर में मन का अटैचमेंट रहे, निरंतर उनका चिंतन बना रहे, और कभी श्याम सुंदर भूलने ना पाए, बस यही एक शर्त है। जैसे सुबह से शाम उनका नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, और वो भी मन से, मन से, हाँ हाँ, और ये भावना करें कि हाँ श्याम सुंदर अपने नाम में बैठे हैं। फैक्ट है, हम लोग मानते नहीं, जैसे ये फैक्ट है कि भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, ऐसे ये भी फैक्ट है कि भगवान अपने नाम में भी बैठे हैं। नामी का नाम में वास होता है, ये फैक्ट है और इसको हमको मानना है। इसके ऊपर भी हमने तमाम कथाएं पढ़ी हैं, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते इसको। इसलिए जब भी कोई नाम संकीर्तन करता है, केवल बोलता है, तो उसको शब्द नहीं समझना है कि हम ये प्राकृत शब्द बोल रहे हैं जो हमको सिखाए गए हैं, ये वो शब्द नहीं है, वो स्वयं बैठे हैं अपने नाम में, हम स्वयं उनको पुकार रहे हैं, ऐसी फीलिंग करनी है। तब जाके जब हम भगवान का नाम लेंगे तो अंतःकरण से हमारे आवाज निकलेगी। अभी तक जो बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं, उसमें हृदय का कोई मिलाप नहीं होता, लेकिन जब समझेंगे कि श्याम सुंदर हमारे अपने हैं तो हृदय से निकलेगा। जैसे एक अजनबी को आदमी बुलाता है तो व्यवहार में बुलाता है, और जब अपने बेटे को बुलाता है, अपने पति को बुलाता है, तो हृदय से नाम लेता है। ऐसे जब अटैचमेंट होता है तो वो हृदय से निकलता है। तो जब भगवान में अटैचमेंट होगा तो जब भगवान का नाम लेंगे तो हृदय से लेंगे, और फिर वो भूलेगा नहीं, वो निरंतर चिंतन चलता रहेगा। राधे राधे।